your three comes the three. That is again putting a three table में नहीं आता. हमारा main जो aim होता है median and minimum last को क्या करते हैं ना यहाँ पे सारी value जो one 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 कर देते हैं. ठीक है. तो one है. That is अब two comes the two. तो three में divide by two क्या आता है? Three में divide by two is equal to six. अब main six को इसके साथ किस तरफ करना है? इसके साथ किस तरफ देना हो रहा है? तो हमें लिखा x minus three multiplying by six on both sides. Six को इसके साथ किस तरफ दे दी? Six को इसके साथ किस तरफ दे दी? और six को इसके साथ. तो ना three one था, three two था, two one था, two three था, six. And अब हम जो कैंसिल हो गया क्या बच गया हमारे पास? Two into x minus three बच गया. Into x minus three minus three into x minus two is equal to six on the six. और माइनस का जरिया आ गया. ठीक है. अब आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो सबके साथ हमें क्या होता है? मल्टीप्लाई. तो मैं करता हूँ पहले एक्स है तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो. क्या होता है? टू एक्स आ गया. अब टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो. क्या होता है? टू थ्री का सिक्स. टू को एक्स के साथ मिलोगे नहीं और थ्री के साथ भी. टू एक्स थ्री का सिक्स. अब इधर जाएगा आप बाबरों के साथ ये जाएगा थ्री एक्स और माइनस माइनस प्लस हो गए. अब इधर जाएगा थ्री टू का सिक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स. अब आप जरा गौर करें ये माइनस सिक्स है ये प्लस सिक्स है. माइनस सिक्स प्लस सिक्स का मतलब क्या हो गया? कैंसिल. अब ये भी टू एक्स और ये थ्री एक्स है. थ्री एक्स में से टू एक्स निकल ही जाता है. वन एक्स माइनस वन एक्स जो पड़ेगा सर कौन सा साइन है? माइनस का इज इक्वल टू माइनस सिक्स. माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? ये हमारा आंसर है. मल्टीप्लाई करवाना है. सबसे पहले जो अभी हमने इसी में क्वेश्चन में कहा कि कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं ब्रैकेट को अब हम इसमें सॉल्व करेंगे. तो जी ये क्या आ जाएगा? एक्स ऊपर से था मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स आ गया और टू वन था टू. अब फिर इसको मल्टीप्लाई करवाए माइनस क्या हो जाएगा? वन वन था वन बाय टू थ्री वन वन था वन सिक्स टू था. कितनी क्लियर हो गए? क्लियर हो गए? पहले समझ लो बाद में नोट कर देना. टू बाय थ्री एज इट इज लिख लेना इज इक्वल टू फाइव बाय सिक्स भी एज इट इज लिख दिया. अब हमें ये भी ब्रैकेट ओपन कर लेना. ये क्या देगा? प्लस वन ओवर थ्री टू का सिक्स और वन ये अब नीचे इसके भी वन लिख दिया तो ये क्या आ गया? माइनस थ्री एक्स एज इट इज आ गया और नीचे क्या देगा? थ्री. ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गई है और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई. अब तो कैंसिल तो नहीं हो रहे सिर्फ ये कैंसिल हो रहा है थ्री और थ्री. ठीक है क्लियर हो गया. अब हम सबसे पहले ये करेंगे कि ये जो एक्स के बगैर वाला एक्स वाली वैल्यूज है एक्स वाली कितनी वैल्यूज है यहाँ पे? एक तो ये वाली और कौन सी है? एक दो वाली है. हम इन दोनों को इज इक्वल टू के इसको हमें रख लेते हैं साइड पे. बाकी जितनी भी वैल्यूज है हम लोग उनको उस साइड पर ले जाते हैं. तो ये एक्स बाई टू एल ईडी जितने भी रहेगा और वो क्या था? माइनस एक्स आई आगे क्या हो गया? और ये फाइव बाई सिक्स एलिडी था प्लस वन बाई सिक्स भी एलिडी था आ गया और ये टू बाई थ्री था ये प्लस टू बाई थ्री था ये इधर आ गया माइनस टू बाई थ्री और क्या रह गया हमारे पास? ये वन ओवर ट्वेल्व रह गया. ये माइनस का था ये इधर आ गया वन ओवर ट्वेल्व हो गया. ठीक है ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई टू आ गया प्लस ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई एक्स आ गया. हर वैल्यू को इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? सब बोले 5 बाय 6 आगे प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 6 इज नेक्स्ट माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 12. अब कैंसिल करें ये क्या किसके साथ आंसर होता है? 2 वन द 2 2 सिक्स द 12 ये तकरीबन ये 2 3 द 6 6 2 द 12 6 1 था 6 6 2 था 12 3 1 था 3 3 4 था 12 12 1 था 12 का मान क्या तो ये लगा. अच्छा अब में क्या बच गया है? 6 6 आ गया. ठीक है अब ये 12 एक्स एलिडी का आ गया 10 12 एक्स आ गया ये क्या देगा? 5 2 था 10 10 प्लस 2 1 था 2 माइनस 4 2 था 8 8 प्लस 1 ये हो गया. सिक्स एक्स और ट्वेल्व एक्स कितने हो गए?
18x अब 10 को 2 से प्लस करो क्या आता है 12 राइट में से 8 निकाल दो 4 और 4 में 8 जमा कर दो 5 अब हमें सिर्फ किस चीज की वैल्यू चाहिए थी x की तो ये 18x है 18 को x आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई ये 18 को जाकर क्या हो जाएगा 5 डिवाइड 5 डिवाइड बाय 18 ये आंसर